राजगुरु कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसा पिछले वीडियो मैंने डाला था उस पर अच्छा रेस्पॉन्स आया था, काफ़ी सारे व्यूज आए हैं, कुछ कमेंट्स भी आए। मेरी राय ये है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उस पर राय जरूर दे अपनी कि आपको समझ में आया नहीं आया, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है या इसमें और भी कुछ इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। दूसरा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं अभी इस चैनल के ऊपर टॉपिक वाइज आपको जिक्र नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चंस मैं आपको उनके छोटे छोटे टॉपिक बना के डाल रहा हूँ। जैसे एक इंपॉर्टेंट डेट्स का है, महत्वपूर्ण तारीखों का टॉपिक है, तो महत्वपूर्ण तारीखों का टॉपिक है, उसमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई पेपर है उसमें आता ही आता है। तो मैं ना आपको 1900 के बाद की, ठीक है, 1900 के बाद की जो तारीखें हैं, 19वीं सदी के बाद की जो तारीख है जिसको हम आधुनिक इतिहास में काउंट करते हैं, वो महत्वपूर्ण तारीखें मैं आपको करवा रहा हूं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले 1905, सबसे पहले 1905, देखो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, ये विभाजन हुआ था किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ये मेनली ये था कि विभाजन क्यों हुआ था, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि विभाजन क्यों हुआ था, तो बताया आप में से किसी को मालूम हो विभाजन क्यों हुआ था। देखो उस समय, जिस समय 1905 की बात है, उस समय बंगाल एक राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था और एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसको हम पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल बोलते हैं, जो बांग्लादेश वाला हिस्सा भी उसी में काउंट था, तो वो एक राष्ट्रीय एकता का बड़ा केंद्र बनता जा रहा था। अंग्रेजों के लिए वो सबसे बड़ी मुश्किल बनती रहा थी, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि बोलो कि हम इसको ना दो बड़े हिस्सों में तोड़ देते हैं, मतलब इसको टुकड़े कर देते हैं ताकि इस स्टेट को हम अच्छे से डेवलप कर सकें। तो इस कारण से राष्ट्रीय एकता का बड़ा केंद्र बनता जा रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने उसको क्या किया था भाई, बीच में से तोड़ दिया था, मतलब उसके दो टुकड़े कर दिए थे। 1905 बंगाल का विभाजन। 1906 में क्या हुआ बताइए, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना। इसके संस्थापक कौन थे, मुस्लिम लीग के संस्थापक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक थे सलीमुल्ला खां, सलीमुल्ला खां, और दूसरा कौन था भाई, आगा खां, आगा खां। और ध्यान रखना आगा खां कप है ना, हॉकी का क्या है, एक ट्रॉफी टाइप में कप भी है, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, संस्थापक सलीमुल्ला खां और आगा खां। फिर 1906 के बाद 1907, 1907 में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट था भाई, कांग्रेस में फूट पड़ी, क्या पड़ी भाई, कांग्रेस में फूट पड़ी, कांग्रेस में फूट। देखो दो क्वेश्चन बनते कि कांग्रेस में फूट कब पड़ी, 1907 में, और पूछ लेगा किस अधिवेशन में, तो अधिवेशन कहां हुआ था, सूरत में हुआ था भाई, कहां हुआ था, सूरत में। कांग्रेस में फूट पड़ी और नरम और गरम दल के नेता क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1907 के बाद 1909, तो 1909 को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, पहला तो इसको ये बोला जाता है, दूसरा इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इसको भारत सुधार अधिनियम, 1909 का भारत सुधार अधिनियम, भारत सुधार अधिनियम, ठीक है, दो तो एक आ जाता। तीसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1909 के अधिनियम से रिलेटेड, इसको सांप्रदायिकता का अधिनियम भी कहते हैं, क्या भाई, सांप्रदायिकता का अधिनियम, ठीक है, सांप्रदायिकता का अधिनियम। यहां पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, देखो 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये दो व्यक्ति थे, मार्ले अलग था मिंटो अलग था, इसी को भारत सुधार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1909 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सांप्रदायिकता का अधिनियम, क्योंकि इस अधिनियम में क्या किया था बताइए, मुस्लिम लीग जो था या मुस्लिम जो संप्रदाय था, मुस्लिम वर्ग था, उसके लिए अलग से निर्वाचन की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी, ठीक है। एक इसी में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताना कि सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा जाता है, सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जाने से पहले मेरे से एक बार आप पूछ लेना अगर आपको नहीं मालूम हो तो। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 1909 के बाद है 1911, 1911 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द,
ठीक है, क्या किया गया था भाई, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। इसके बाद 1911 की महत्वपूर्ण तारीखें देखो, 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रही, कलकत्ता भारत की राजधानी रही, ठीक है। इसके अलावा 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। तीन, 1911 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दूसरा नोटिस का, कलकत्ता भारत की राजधानी कब तक रही, 1911 तक। 1911 में राजधानी कलकत्ता से कहां की, दिल्ली स्थानांतरित। लेकिन नोट करना, आप नोट करने वाली चीज है, नोट यहां पर करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी भाई बताओ ना, 1912 में। देखो यहां नोट करने वाली चीज है, ये जो चीज लिखी हुई, देखो 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की हुई थी, पूरा स्थानांतरण हुआ नहीं था, घोषणा कर दी थी कि दिल्ली राजधानी बनाएंगे, स्थानांतरण की घोषणा कर दी थी, लेकिन एक्चुअल में दिल्ली राजधानी कब बनी थी, 1912 में बनी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1911 के बाद आप, हम चलते हैं 1916 में, कहां चलते हैं भाई, 1916 में। यहां पर दो क्वेश्चन है, एक तो ये है होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना, एक तो ये क्वेश्चन है, और एक अखिल भारतीय होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना, क्या था ये भाई, मोटे शब्दों में क्या कह सकते हैं, एक लीग था। लीग मतलब देखो, हम घर में रहते हैं, हमारा घर है मान लो, उसमें चौधर कोई आके करे, कानून कायदे कोई और आके समझाए, हमें मंजूर होगा नहीं होगा, बस यही था कि हमारा घर है तो कानून कायदे भी क्या होने चाहिए, रूल रेगुलेशन भी हमारे ही होनी चाहिए, हमारे घर में रूल रेगुलेशन हमारे चलेंगे, न कि अंग्रेजों चलेंगे, बस यही इसके अंदर मोटा मोटा वर्णन था। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक, और अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना बताओ ना एनी बेसेंट, किसने की थी, एनी बेसेंट ने, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 1916 के बाद 1917 क्या था भाई बताओ ना, 1917 में था चंपारण आंदोलन, क्या था भाई, चंपारण आंदोलन। ये चंपारण कहां पड़ता है, बिहार में, कहां पड़ता है, बिहार में। ये चंपारण आंदोलन किसने किया था, गांधी जी ने, गांधी जी से याद आया, गांधी जी से एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना कि गांधी जी भारत वापस कब लौटे थे, कब लौटे थे भाई, 1915 में गांधी जी क्या है भाई, वापस लौटे थे, और तारीख क्या थी, 9 जनवरी, कौन सी थी भाई, 9 जनवरी, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापिस भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। 1917, और ये चंपारण आंदोलन का क्या था भाई, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह बोल दो या प्रथम आंदोलन बोल दो भारत में, क्या भाई, प्रथम सत्याग्रह या प्रथम, भारत में, इससे पहले अफ्रीका में तो कई बार कर चुके थे, अफ्रीका में तो क्या है, कई बार कर चुके थे, लेकिन भारत में गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था या आंदोलन था, कौन सा था, चंपारण आंदोलन था, ठीक है। 1917 के बाद चलते हैं 1919, देखो 1919 में क्या क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या, एक, दूसरा रोलेट एक्ट, तीसरा प्रांतों में द्वेज शासन, प्रांतों में द्वेज शासन की शुरुआत, ठीक है, और 1909 में ही मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को भारत सुधार अधिनियम,
भारत सुधार अधिनियम 1909, ठीक है। ये 1919 की क्या है, चार पांच महत्वपूर्ण बातें। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था भाई, पंजाब में हुआ था। क्या हुआ था, पंजाब में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, ठीक है। किसने, जनरल डायर ने। किसने की थी भाई, जनरल डायर ने। रोलेट एक्ट जिसको क्या कहा जाता है, अंधा कानून कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है कि कोई वकील दलील नहीं चलेगी, जिसको भी शंका के आधार पर क्या कर सकते थे, डाउट के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके उसके जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ये द्वैध शासन क्या होता है भाई, शासन की दोहरी प्रणाली होती है। क्या होती है, शासन की दोहरी प्रणाली होती है। जब भी आपको डिटेल वाइज करवाएंगे उसमें आपको अच्छे से मैं कंप्लीट करवा के चलूंगा भाई, ठीक है। फिर इसके बाद है 1909 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसको भारत सुधार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। ये 1919 का महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। ये लाइन है ना, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पेपर में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर 1919 के बाद देखो, 1919 के बाद 1920, 1920 में क्या था बताइए भाई, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था भाई, गांधी जी ने। क्या था भाई, गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन क्या था बताओ दा, असहयोग आंदोलन बताओ दा। असहयोग से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हम किसी चीज में सहयोग नहीं करेंगे। मतलब कोई भी देश की अर्थव्यवस्था किस पे चलती है, पैसे पे चलती है भाई। आपके बनाए हुए कपड़े हम नहीं पहनेंगे, ठीक है। आपके बनाए हुए मतलब कोई भी, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग में नहीं लेंगे, ठीक है। आपकी जो बनाई हुई, अब भाई शराब का जो इंग्लिश वाइन जो सिस्टम, वो कौन लेकर आए थे, अंग्रेजी लेकर आए थे, तो मतलब उनका भी बहिष्कार किया गया था। बहुत सारी चीजों का, विदेशी कपड़ों का, कपड़ों की होलियां जलाई और कुछ किया। मतलब यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजों को सहयोग न करने की एक किया क्या थी भैया, के प्रयास था, मतलब एक आंदोलन था, अंग्रेजों को सहयोग करने न करने का एक आंदोलन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, असहयोग आंदोलन। 1920, 1920 के बाद 1921, 1921 में क्या था भाई, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। क्या भाई, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। 1922 में असहयोग आंदोलन वापिस, असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। यहां से बनता है कि असहयोग आंदोलन समाप्त का कारण क्या था, कारण पूछ ले, क्या कारण था भाई बताओ दा। चोरा चोरी की हिंसक घटना, चोरी चोरा की हिंसक घटना। ये चोरा चोरी की हिंसक घटना कहां पड़ता है, ये गोरखपुर, यूपी, गोरखपुर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो कहां है भाई, गोरखपुर में। चोरा चोरी की हिंसक घटना क्या थी, इसमें क्या था, कुछ पुलिस वालों को क्या है भाई, जिंदा जला। इससे आ तो गांधी जी ने क्या क्या था, आंदोलन ने वापिस ले लिया था। 1923, 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी भाई, मोतीलाल नेहरू, मोती लाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन थे भी, और चित्तरंजन दास, ठीक है। तो ये क्या था भाई, स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 में, 1924 बताइए भाई, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एकमात्र अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किसने भाई, गांधी जी ने। गांधी जी इतने बड़े नेता थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कौन से की, बेलगाम अधिवेशन की, ध्यान रखना। ये है 1924 तक की इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1924 के बाद चले आगे, लिख लिया, वैसे तो पीडीएफ में मिल जाएंगे सारे आपको। 1924 के बाद 1927, बताओ तो 1927 में क्या हुआ था, 1927 साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन
कमीशन का गठन। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन थे भाई? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। गठन और भारत में आगमन दोनों अलग चीजें हैं। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928। यहां क्या है? साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन, ठीक है, हो गया। साइमन कमीशन का भारत में क्या हुआ? विरोध। विरोध करने वालों में कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति लाला लाजपत राय, और इनकी लाठी चार्ज में क्या हुई? लाठी चार्ज में मृत्यु। ठीक है, इसमें एक कथन भी कहा था। क्या भाई? लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? एक कथन था। क्या था कथन? कथन क्या था बताइए? कि मेरे सर पे पड़ी हुई एक एक चोट अंग्रेजी जो शासन है उसमें क्या होगी? कील साबित होगी। मतलब जो अंग्रेजी शासन का जो ताबूत है उसमें कील के बराबर है साबित होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इनका क्या था? एक स्टेटमेंट था। अब पूछ ले कि विरोध क्यों हुआ? कारण पूछ ले कि विरोध क्यों हुआ, उसका कारण देखो। विरोध क्यों का मतलब है कि एक भी भारतीय शामिल नहीं था। क्या था? एक भी भारतीय शामिल नहीं, एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो इसमें क्या थे? सारे के सारे क्या थे? गोरे लोग थे, अंग्रेज थे। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है भाई? बताओ ना, दूसरा नाम साइमन कमीशन का दूसरा नाम व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन ये इसका क्या था भाई? दूसरा नाम था। ठीक है, क्योंकि सारे गोरे लोग थे, गोरे को क्या बोलते हैं? व्हाइट होते हैं। सारे गोरे लोग मतलब व्हाइट मैन थे उसमें, तो इसको व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। ठीक है, 1928 के बाद 1929 बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कब उठाई भाई? 1929 में। कौन सा अधिवेशन था ये? लाहौर अधिवेशन। कौन सा भाई? लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बताओ पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो कब की गई? 1929 में। दूसरा आपसे यह पूछ लेगा कि लाहौर का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929। 1929 के बाद क्या है भाई? 1930। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट? देखो 1930 वाले में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो इसको हम बोलते हैं नमक सत्याग्रह। तीनों शब्द लिखवा रहा हूं, नमक सत्याग्रह। दूसरा इसको हम क्या बोल रहे हैं? दांडी मार्च, दांडी मार्च। और तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीनों एक ही चीज है। क्या है भाई? तीनों एक ही चीज है। देखो नमक सत्याग्रह भाई, अंग्रेजों ने क्या किया था? नमक बनाने पे क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। तो संकेत रूप से एक मुट्ठी हाथ में नमक लेकर उसको कानून को तोड़ा था, इसलिए तो इसको बोलते हैं नमक सत्याग्रह। और कहां के लिए मार्च किया था? दांडी के लिए। क्या भाई? दांडी के लिए मार्च किया गया था। ठीक है, साबरमती से कहां गए थे? दांडी गए थे, इसलिए इसको नाम दे दिया दांडी मार्च। ये आंदोलन बड़ी ही विनम्रता से, जो अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना की गई थी, क्या गई थी? अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना में उनके कानून को बड़ी ही विनम्रता से तोड़ा गया था, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तीनों एक ही चीजें ध्यान रखना। फिर 1930 के बाद 1931 क्या था भाई? ये गांधी इरविन समझौता। क्या था भाई? गांधी इरविन समझौता। ये इंपॉर्टेंट तारीख अभी पूछा जा सकता है। ठीक है, 1932 में क्या हुआ था? पुन्ना पैक्ट। क्या भाई? पुन्ना पैक्ट। और ये इसको हम बोलते हैं गांधी अंबेडकर समझौता भी। क्या भाई? गांधी अंबेडकर समझौता। ठीक है, ये
कोई निर्वाचन प्रणाली को लेकर कुछ प्रतिनिधित्व था एससी एसटी के जो नीचे के तबके के लोगों के लिए, क्या था इनमें कोई असहमति बनी हुई थी उसके ऊपर, क्या था भाई ये पूना पैक्ट बना था। ठीक है, डिटेल से आपकी जो डिटेल वाली क्लास होगी इंपॉर्टेंट उसमें करवाएंगे। 1932 के बाद जाओ आप किस में भाई, 1932 के बाद हम चलते हैं 1940 अगस्त प्रस्ताव। क्या भाई अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव मेरी पहली वाली क्लास थी उसमें भी बताया था मैंने, इसमें क्या क्या गया था, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग, क्या भाई अप्रत्यक्ष रूप से क्या की गई थी, पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, यू कह सकते हैं कि अलग संविधान के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान मांगा गया था, और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने। 1940 के बाद 1942 क्रिप्स मिशन, क्या था भाई क्रिप्स मिशन, जिसको गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, इसके बाद आपका 1942 के बाद एक 1946, 1946 में क्या था भाई कैबिनेट मिशन, क्या था भाई कैबिनेट मिशन। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य, ये पीछे वाली क्लास में आपको बता चुका हूं। फिर इसके बाद 1947 भारत पाक विभाजन योजना, भारत पाक विभाजन योजना, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, माउंटबेटन योजना, क्या भाई माउंटबेटन योजना। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, 3 जून योजना, क्या भाई 3 जून योजना। ठीक है, और इसके बाद 1948 में क्या हो गई थी, गांधी जी की मृत्यु, 30 जनवरी 1948 गांधी जी की मृत्यु। ठीक है, तो ये कुछ है ना इंपॉर्टेंट तारीखें थी आपकी, तो इनको एक बार आप एक बार इनको रिवाइज भी कर लेना आप लोग, और सारे के सारे ये क्या है भाई आपके पीडीएफ में भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी इसको ऑनलाइन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप अपने मोबाइल नंबर वगैरह इस पे डाल सकते हो, उस पे आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। थैंक यू।